हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, यदि हम जयनगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो जयनगर से अभी काफ़ी कम शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं और यहां से लगातार डिमांड होती रहती है कि देश के कई भागों को जोड़ा जाए और जो लोकल ट्रेनें हैं उन्हें भी चलाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारी भारतीय रेलवे बहुत धीरे धीरे लोगों की बातें सुनती है और धीरे धीरे करके ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारी भारतीय रेलवे चालू करने जा रही है एक नई परमानेंट ट्रेन जो कि जयनगर से चलेगी। और खासकर बात यहाँ पे ये होगी कि इस ट्रेन की डिमांड लंबे समय से थी, अब यहाँ पे रेलवे इस डिमांड को पूरा करने जा रही है। और इस ट्रेन के मिल जाने के बाद जयनगर रेलवे स्टेशन से जो एक बड़ी डिमांड थी वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए चलेगी, इसका रूट क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी और सप्ताह में किस किस दिन चलेगी, पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले इंट्रोड्यूस करूँ मेरा आपसे आग्रह, यदि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कहीं, वीडियो को लाइक करें और इस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और किसी भी सुझाव शिकायत के लिए आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में हमारी भारतीय रेलवे की साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा गया है जयनगर से नई ट्रेन चलाने के लिए। दोस्तों, यदि हम इस प्रस्ताव की बात करें तो यहाँ पे टाटानगर से जयनगर के लिए एक नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया गया है। दोस्तों, यदि हम इस ट्रेन की बात करें तो इसे एक वीकली ट्रेन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि टाटानगर से हर मंगलवार को, जयनगर से हर बुधवार को चलेगी। दोस्तों, यदि हम इस ट्रेन के रूट की बात करें तो टाटानगर से खुलने के बाद ये ट्रेन आसनसोल, जीसीडी, झाझा, भागलपुर, बरौनी, दरभंगा होते हुए जयनगर तक जाएगी। टाटानगर से ये ट्रेन रात के करीब 9:10 पर खुलेगी, विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए बरौनी जंक्शन पर अगले दिन 12:40 में पहुँचेगी। दिन के करीब 13 बजे यानी कि दिन के करीब 1 बजे वहां से निकल जाएगी। उसके बाद ये ट्रेन दरभंगा जंक्शन 3:43 में पहुंच जाएगी, 3:53 में वहां से निकलेगी और जयनगर ये पहुंचेगी शाम के करीब 5 बजे। वापसी में ये ट्रेन जयनगर से रात के करीब 11:20 पे खुलेगी, विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन ये ट्रेन टाटानगर 18:40 यानी कि 6:40 पे पहुंच जाएगी। टाटानगर से जयनगर आने में ये ट्रेन करीब 19:30 का समय लेगी और वहीं जयनगर से टाटानगर जाने में ये ट्रेन करीब 19:20 का समय लेगी। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 37.31 किलोमीटर की होगी टाटानगर से जयनगर आने में और इस ट्रेन में सभी प्रकार के डब्बे होंगे। अब दोस्तों, हमें देखना होगा कि रेलवे बोर्ड इस ट्रेन को कब अप्रूव करता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब इतना ही, मिलेंगे फ्रेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।